जनपद के सिकरीगंज थाना क्षेत्र निवासी व्यवसायी को ऑनलाइन ऐप वेबसाइट के माध्यम से विदेशी नंबर से इंटरनेट वीओआईपी कॉल कर 20 लाख की फिरौती मांगने व फिरौती की रकम ना देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपने कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर अपराधियों की पहचान हेतु साइबर क्राइम सेल टीम को लगाया गया था, जिसके तहत तकनीकी विश्लेषण से इंटरनेट वीओआईपी कॉल कर 20 लाख की फिरौती मांगने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान दुर्गेश उर्फ हनुमान शुक्ला, पुत्र नरसिंह उर्फ फन्ने शुक्ला, निवासी ग्राम शुक्लपुरा पोस्ट असौजी बाजार थाना सिकरीगंज, और उत्कर्ष उर्फ विपुल पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम शुक्लपुरा पोस्ट असौजी बाजार थाना सिकरीगंज के रूप में हुई है। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्तों ने फेक ऐप डाउनलोड के माध्यम से व्यापारी से रंगदारी मांगी थी, जिसके तफ्तीश में मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ था। पुलिस और साइबर क्राइम टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, क्या करते हैं भाई आप लोग बताएंगे? मैं तो सर स्टडिंग एसएससी का शुरू कर रहा हूं, ये थर्ड ईयर है। पैसा मांगने की स्कीम कहां से आई थाना सिकरीगंज में 18 जुलाई को सिकरीगंज के ही एक व्यापारी अयोध्या जायसवाल ने शिकायत किया था कि उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, और जो नंबर उन्होंने दिया था, जिस नंबर से कॉल आई थी, सामान्य रूप से देखने से वो नंबर इंटरनेशनल कॉलिंग दिख रही थी। ये मामला हमारी जो साइबर की स्पेशलिस्ट टीम है जनपद की, उसको हैंडओवर किया गया। तो हमारी साइबर सेल ने, सीओ क्राइम ने, एसपी क्राइम साहब के निर्देशन में लगातार इस पे मेहनत किया, तो पता चला कि ये वर्चुअल वायस इंटरनेट प्रोटोकॉल करके ऐप है, जिसका इन्हें कहीं न कहीं से कुछ जानकारी हो गई थी। उसके आधार पर इन्होंने एक कॉल की थी, उसमें इनका मूल नंबर छिप गया और एक इंटरनेशनल कॉल की तरह से वो संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा। उस आधार पर फिर ये नंबर कहां से जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ, हमारी टीम ने प्रयास किया। दोनों व्यक्ति जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था, उनकी आज गिरफ्तारी कर ली है टीम ने, उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और टीम ने हमारे काफ़ी साक्ष्य संकलित कर लिए हैं। विवेचक द्वारा केस डायरी के माध्यम से इन सभी साक्ष्य के साथ आरोप पत्र माननीय न्यायालय अतिशीघ्र प्रेषित किया जाएगा। इसकी मोबाइल से कॉल करते हैं या लैपटॉप से? नहीं, ये मोबाइल से कॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं इसके अलावा? मैंने बताया ना आपको कि इसके अलावा भी कुछ, इसके अलावा ये सामान्य लोग हैं, कोई ऐसा इनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि जो आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है, साइबर अपराध की दुनिया बढ़ती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसमें ये बिल्कुल नव प्रवेशी थे, अभी जल्दी जल्दी ही ये प्रयास कर रहे थे। अगर सफल हो जाते तो फिर कहते हैं एक बार खून मुंह लग जाता है तो आदमी आगे बढ़ता रहता है, तो उसी तरह से अगर इसमें सफल हो जाते तो आगे बढ़ जाते। अभी तक तो कोई इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में नहीं आई, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये केस उसी तरह का निप इन बड, हमारी टीम ने इनको पहले मामले में ही धर दबोचा है, तो शायद ये सुधर जाएं। सर ये जो पेटेंट दिए हैं क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई? एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बहुत जानकारी तो इनसे अभी नहीं ली गई है।